अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से होंगे? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हो गया कमरे का काम और मैं लगा रही हूँ अभी पानी गर्म पे नहाऊँगी। द किचन में भी थोड़ा फैलावा पड़ा है, वो भी साफ करना है। गाड़ी ने इसमें लगा दी है, बिस्तर पे चढ़ के और टॉप लगाऊंगी। मुझे करंट से बहुत डर लगता है, पानी गर्म हो जाएगा। यहाँ जब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। चलिए फिर किचन में आज नई खुशखबरी है, पीने का नल हमारे अंदर ही किचन में ही लग गया। पीने का नल, पीने का पानी आएगा, हवा आ रही है अभी तो खर्चे का ही पीने का। लग गया, परेशान होती हो, पाइप लगाने आती हो, परेशान होती हो, इसलिए चाहिए लगवा दिया। सफाई कर रही थी मैं यहाँ की, क्योंकि बाहे गाना तो ये सिंक में चला जाएगा, इसलिए उनको भी कहीं जाना होता है ना, तो फिर हम पानी नहीं भर पाते तो वो कहीं हम लगवा देते हैं, ताकि तुम कभी भी पानी भर लो। कभी नल आ रही है तो इसी में खर्चा कर लो, पी रही है तो पीना, पीने का ना ले। अच्छा ये बच गया है, तू तो लोगों को मेरा पानी होने वाला है गर्म, जल्दी जल्दी में काम कर लूँ। दीवार पे धूप जल रही है, बाकी किचन होंगे ना तो निकल जाएगी। चला गया भी जाता है वो बेचारा, हो गया सिंक को पाइप निकल गया, लगा दिया मैंने। अभी इतने बर्तन और बचे, मैं धो दूं, गैस कर दूं सीधा पे। चलिए हो गया मेरा पानी गरम, ड्रेट चलिए कट लग गया, कलर बड़ा है तो खैर अंदर की डोरी नहीं कटी, ऊपर की कटी हुई देती हूँ। पानी उठा के तो बाथरूम की तरफ रख दे, गर्म पानी अभी नहीं है मेरे पास। चलिए मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। किचन अभी तक सूखा ही नहीं है और मैं नहा के भी आ गई, सूखते ही नहीं है ठंडे मौसम में जल्दी, देखो तब नहीं सूखा। नल की टोटी की वजह से तुमने धोया था ये पूरे में सीमेंट हो गई थी। अरे यार क्या कहते हैं ईट, वो अंदर से चेक करो तो ना इसी वजह से। चल अब पकाने का सोचें, अब क्या पकेगा, आज पूछें क्या पकेगा, यहाँ से पूछते हैं क्या पकाना है, डिसाइड करते हैं। हमें काम वाम से फारिग हुई हूँ अभी, हाँ नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ के एक आध घंटा लेट हूँ, खाना खाऊँ, मिलती हूँ आपको। मंगा मंगा कर लिया मैंने, जा रही थी बात ही मैं कर ही दूँ, मैं भूल जाऊँगी। मेरा कल का प्लान है एम्स हॉस्पिटल जाने का, तो हो सकता है मैं लेट भी हो जाऊँ या वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, पता नहीं जैसा मौका लगेगा वैसे बताती हूँ। ऐसे क्या होता है देखते हैं, जाते हैं दिखाते हैं, पता नहीं पर्चा ही बन पाएगा, टाइम पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, अभी कुछ पता ही नहीं है मुझे भी। कल जाएंगे, वहाँ सुबह जल्दी उठना है, और जिस दिन जल्दी उठती हूँ बहुत थक जाती हूँ मैं, यही थकान का बस राज यही है, तो खाने के चक्कर हो गए, अब खाना पकाना है। उनको लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैंने जल्दी से मटर पुलाव बना लिया, मटर रखे थे उसकी सब्जी में, अभी जल्दी पका लिया मैंने, आपको बताया नहीं, मैंने कहा वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पका लिया। तालिब भी आ गए थे, उनके दोनों मिल के खा ही लें, खाना नहीं खाया था मैंने अभी। तुम भी नहाना, जो मैं कोई नहाऊंगी तुम तो जुमे वाले, चल बेटा खाओ ना। पापा कह रहे क्या बना है, क्या मटर आलू बनाने, तो गरम बना लो, तो गोश्त भी खा लिया, अब गोश्त खाने के दिल नहीं चाह रही अभी। अब गोश्त अपन ला के रखेंगे कल बुधे जुमेरात, जुमे के दिन बनाएंगे, जो जुमेरात के दिन बनाएंगे है, आज मंगल है, कल बुधे, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे बेटा, आप सब तुम ही चलोगे,
नहीं देंगे तुम स्कूल जाना। नहीं बेटा हम स्कूल पहुँचाएंगे तो मैं पेपर आने वाले हैं, पढ़ाई कर फिर कभी चलना। पता नहीं वहाँ पर कैसा है क्या है, परेशान होना आना जाना, ऐसा ना पर्चा नहीं बन पाया, देर हो गई। सुबह सुबह तुम्हारे स्कूल के चक्कर में तो हम चले भी जाएंगे, बेफिक्री से आ भी जाएंगे, मतलब जल्दी जाने की कोशिश करेंगे बेटा। वो लोग कह रहे हैं एक हैं जाती हैं मैं जी 12 बजे तक फारिग हो जाते हैं। ठीक है देख लेंगे, बुध के दिन जाएंगे ना, पहले बुध तुम स्कूल जाओ, छुट्टी मत करो जुमे के अलावा, छुट्टी मत करना। वो स्कूल की नहीं सिपाही की छुट्टी होती है जुमे की, संडे के दिन छुट्टी करना, बस घूमने चलेंगे संडे को पापा के साथ। ईशा की अजान हो गई, मैंने इसमें तेल डाल दिया है भगोनी में, सालन पकाना स्टार्ट कर दिया। आलू मटर लिए, आलू इसके नीचे दब गए उसे डाल दिए थे। ये प्याज पीसी रखी है, ये जीरा, ये टमाटर। तो सबसे पहले मैं डाल देंगे जीरा, फिर मैं डाल लेंगी इसमें प्याज पीसी हुई, अंदर कर दिया ताकि जले, अजान भी हो रही है। तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, पांचों चीज़ें डाल रही हैं। टमाटर खा रहे हैं गाजर, कह रहे हैं मुझसे आटा क्यों नहीं बनवाया, ये गुस्सा हो गए थे, मोबाइल नहीं दे रहे थे, नहीं इनको डांटा नहीं मैं मोबाइल दी, मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया, थोड़ा सा ये कल का आटा था वो रखा इसमें। हाँ तुम गाजर खा लो, नाराज मत हो, मैं तो आई को लड़की वाले काम बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा अदरक लहसुन, वो प्याज का जार धोके वो ये धोके डाल देंगे, थोड़ा सा पानी हो जाएगा, थोड़ा मसाला हो जाएगा उसमें। आपको ये मटर दिखा दूँ थोड़ी सी, इतनी सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, सब्जी ज़्यादा खाने में नहीं आती। इतनी पतली कर दी तुमने, छीन छीन के बेटा सुमर डालो तुमसे फंसता है, ये प्लेट में रख दो कचरा, मैं पन्नी में डाल के दे देंगे, फेंक दिया। अच्छी नहीं लगी खिला, खराब लग रही है, फेंकते चलेंगे। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए मेरे जार में, अपने जगह पे रख धो लिए थे मैंने, देखते बर्तन में धोती जाओ तो सही रहता है, ये भी धो दूंगी। बेकिंग मसाला कैसे हो गया, ऑटोमेटिक पहले साबुन निकालूँ, साबुन बर्तन धोने का खत्म हो गया था, मैं मंगा के रखा था, मैंने बर्तन धो दूंगी अभी, हाल धोगी बर्तन, मुरझाया हुआ सब बच्चा। जब तक मैं सलाद छीन, टमाटर प्याज भी रखी थी मैंने, ककड़ी और मूली भी रखी, ज़्यादा नहीं सब मिला के बनाती हूँ, ये उगा दूँगी ऊपर ले जाके मैं पेड़ों में। गाजर निकल गई शायद से, देखूँगी हो सकता है निकल जाए, निकल जाती है मेरी सलाद का सामान। भीम तुम कर ऐसे नहीं, भीम तो छीलने के बाद धोते हैं, प्याज छीली हुई है हमारी, मूली छीलना है, गाजरें छीलना है, तो बढ़िया देखिए ठंडे मत खड़े, काला काला हटा दो काट के, उसी में छीलो और कचरा रखोगे तो साफ नहीं हो पाएगा, लो इसमें अदरक रखो, कल तो पक्का ही है हॉस्पिटल जाना, जाती हूँ थक जाती हूँ ना, तब बन गया आज तो सही घूमेगा। तैयारी बना लिए सलाद, मटर रखे हुए हैं, मटर डालना है अभी, अगर थोड़ी सी भून जाए मसाला उसके बाद पीने का पानी एक ही वही मिल लिया करेंगे, हमें उधर जाना नहीं पड़ेगा, पाइप लगाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छा हुआ लग गया, कल परसों में कपड़े भी धोएंगे ना तो इसी से धो लेंगे। मेरा तो दिल खुश हो गया भैया, ना लग गया कहीं की, देखो तारीफ सलाद बना रही है, तो छील के रख देना है, वो काटना नहीं अभी, नहीं तो पानी निकल जाता है प्याज में से और ककड़ी में से, तो फिर ना ख़राब हो जाती है, टमाटर भी पानी छोड़ देता है नरम हो जाते हैं, इसी वक्त काटेंगे तो सही रहेगा जब खाएंगे। ठीक मेरे मटर रखे हुए हैं, मटर और आलू थोड़े से तो मसाला भी जब भून जाएगा ना तो ज़रा सा ही सो जाएगा, टमाटर डालें आज मैंने पीस के,
इसलिए ज्यादा लग रही है। बस उसके बाद ये सब्जी हो जाएगी ना, उसके बाद बना लूंगी रोटी। सबसे ज्यादा खुशी है कि नल लग गए हैं। सुबह भी बहुत खुशी हुई थी और इस टाइम पे भी देख देख के अच्छा लग रही है। पीने का पानी लग जाया करेगा, पाइप लगाओ फिर जाओ चालू करो, फिर गेट ही हमारी के पीछे उसके नीचे से पाइप लेके आना पड़ता था दरवाजे के नीचे से, फिर इधर लाकर ना रखो फिर जाके चालू करो। अकेले करती थी क्योंकि तारीफ तो स्कूल चले आते थे नल के टाइम पे, यहाँ आते ही रहते थे। चालू बेटे अरे तुम तराई मत करो, वो गीला हो गया करना पड़ती है ताकि वो पक्का हो जाए। हाँ सही कह रही है, लड़का पक्का हो जाए तो बस तराई तो करना पड़ती है। पानी तुम्हें लगी इसलिए पानी डाल दी, बस थोड़ी सी लगी मैं बेटा बहुत ही गीली हो गया। नहीं सलाह देखो कितना गंदा पानी निकल गया। मैंने इसमें डाल दी मटर, मैं इसको मंदी यहाँ पे छोड़ दूँ ताकि मटर भी गल जाए आलू भी गल जाए, थोड़ा थोड़ा मसाला हो गया और भूनता रहेगा। ये हो गया स्नैक, और जब खाएंगे तो बनाएंगे, एक साइड कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं। खाना नहीं खा रहे तालिब, पक गया ना खाना? तो मैंने पका लिया था और मैं आधा घंटा लेट भी गई, सालन बन गया। हरा धनिया डाला है मैंने इसमें और सलाद भी बना ली। आ जाए उनका इंतजार है, खाना खा लें हम लोग। चाय की याद आ रही है, उनके पापा आ जाए तारीफ के, उसके बाद चाय बनाऊंगा। तारीफ सोने लगे, खाना खा लो ना, बस चावल खा के सो गए। अरे बेटा रोटी सालन खा लो, मटर आलू बन गए, नहीं खाना। जैसा कि तालिब के पापा तो आ जाएंगे अभी और हम लोग खाना वाना खा लेंगे। चलो तो आज हम वीडियो जल्दी एंड करवाएं, कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिए। अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करना। बाय बाय।